पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है, फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पे कोई रेड नहीं होता है, उन सबके लिए तो सात खून माफ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं उन पे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है, और ये दो इंजन कौन है देश में, एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है, जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले हैं कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष है, जेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो ज़रूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी आप काम उस पर करिए, मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज़ वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज़ वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज़ वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स, व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस। आप करिए, हम बात करेंगे, हम ज़रूर फेस करेंगे ईडी को, लेकिन आपके बीएल संतोष जी से भी बोलिए ज़रा हमारे तेलंगाना में आके सीट के सामने पेश हो जाए, आंसर करें, क्वेश्चंस आंसर करें। किस बात की डर है आप, हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे हैं ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्स है, लीगल एक्शन है, हम पूरा पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावे करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे, इस बात को ज़रा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए? पावर चाहिए तो जनता के पास जाओ भाई, जीतो उनका दिल, ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है? हमें सहनशीलता का भी हद होती है। मैं भारत की जनता से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वन नेशन वन फ्रेंड का सरकार को आप मौका मत दीजिए। जो विपक्ष है उनके बात रखना चाहते हैं, ज़रा उनको मौका दीजिए। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है, महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माता जी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माता जी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माता जी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रांग कैरेक्टर वाली लेडी है, तो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तरफ गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की, तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्महा ततो जयहा, यानी धर्म जिस तरफ है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से, कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया, अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ, वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे थे। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, ज़रूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी के सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, तो ये तो धर्म ततो जय, हमारे साथ भगवान है। थैंक यू सो मच, जय तेलंगाना, जय भारत। देखिए, पूरे देश से 29 स्टेट्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उन सबको वुमेन रिजर्वेशन पे भी फाइट किए, उन सबको बुलाया है, लकीली उन सब ने एक्सेप्ट भी किया है। तो एटलीस्ट 500 to 600 पीपल विल सिट ऑन द हंगर स्ट्राइक, बट द अटेंडेंस विल बी मच मोर, मोर देन 6,000 पीपल हैव कन्फर्म्ड दैट दे विल जॉइन अस, मोर देन 18 पार्टीज हैव कन्फर्म्ड दैट दे विल जॉइन इन द प्रोटेस्ट। मैम, सोनिया जी बहुत बड़े लीडर हैं, मैं तो छोटी एमएलसी हूँ, फर्स्ट टाइम एमपी, सेकंड टाइम एमएलसी। भारत जागृति जो हमारा एनजीओ है, उसके तरफ से जो हम एजिटेशन ये कर रहे हैं महिला आरक्षण के लिए,
हमने सारे पार्टीज से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे सर से, केसी वेणुगोपाल सर से हमने रिक्वेस्ट किया है, तो कांग्रेस से वो अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे वो आएंगे, मुझे नहीं पता कौन आएगा। आपको ईडी का बहुत जानकारी है भाई, अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है क्या? ईडी जो भी पूछेगी हम उनका जवाब दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ब्रदर, वी हैव बीन टेकिंग द इनिशिएटिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स नॉट नाउ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड आवर लीडर ऑफ भारतीय राष्ट्र समिति KCR garu has taken the initiative and we've held multiple meetings with stakeholders of various parties in this country and we've declared it openly that we will work with all like-minded parties. Idea and ideology is simple. Bharatiya Janata Party in today's form and shape is hurting the country, not working for the development of the country. They're spoiling the ecosystem of this country and the secular fabric of this country. So certainly we will work to unseat them from power. And we will work with every party which is like-minded. We will work with every party which is like-minded. The silence of your father and your brother. See, why should my father and brother speak about such silly issues? Now, the entire party, in fact, my brother and Honorable Minister just held a press conference today. But that apart, entire party, 15-16 MLAs, leaders, small leaders, big leaders, everybody has been targeted. And that has been the attitude of the BJP party, unfortunately, in every state. So if we speak about it and make a big issue out of it, tomorrow, my dear friends in the press, they'll write ki ye dar gaye, ye baat kar rahe hai sirf ED ke bare mein. But I really want to request through you to the people. See, today we put up a protest for Mahila Bill, they'll call me to ED. So every paper is writing only about Kavita attending ED, but not Kavita doing dharna for a woman bill. So tomorrow, they'll increase the price of the cylinder, but then they'll call some other leader to ED. So cylinder hike price will not be there, issue will not be there. Some other leader going to the ED will be there. Some Adani issue comes, they'll call some other neta to ED. So the diversion tactics of Bharatiya Janata Party is what needs to be exposed today by all the political parties. And that is what today TRS is trying to do. See, I could have attended ED today and I could have cancelled the dharna tomorrow. Why am I not doing that? Because I want to prove a point that your diversion tactics will not work anymore. We will make sure that people will know about the issues, understand about the issues, and important issues of the country need to be highlighted. So we will work for that. That is our fight.